नहीं हुआ है, हो गया तो इस शो में बातचीत, अदरवाइज किसी और दिन। जयपुर से मोनिका पुरस्वानी जुड़ती हुई। मोनिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मोनिका मैम क्या करते हो? मोनिका मैम आप जयपुर में और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया? सर मैं अभी तो फिलहाल होम मेकर हूँ और स्टॉक मार्केट में अभी 3-4 महीने ही हुए हैं मुझे, तो अभी फिलहाल। और ये 3-4 महीने स्टॉक्स कैसे डिसाइड कर रहे हैं आपने इन 3-4 महीने में? खुद ही डिसाइड कर रहे हो या कोई गाइड कर रहा है, किसी के साथ कंसल्ट कर रहे हो, कैसे हो रहा है? सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं 4-5 सालों से, और मेरी मदर जो हैं वो 20 इयर्स से शेयर मार्केट में डीलिंग कर रही हैं, अरे वाह। तो उनकी थोड़ी सी हेल्प से, थोड़ी गाइडलाइंस से धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं आगे। और उनकी गाइडलाइंस क्या कहती है, बेटा लंबे लंबे समय के लिए खरीद के रखना या ट्रेडिंग वेडिंग भी करवाती है, क्या होता है? सर मम्मी तो कहती हैं कि लंबे समय के लिए रखे रखो, स्लो एंड स्टेडी ग्रो करो, और हस्बैंड कहते हैं थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग भी कर लिया कर, नहीं तो ऐसे तो पता नहीं कब तक पोर्टफोलियो बढ़ाएगी। पड़ोसी की कार, घर नई कार आ गई, अपने नहीं आई अभी तक, जल्दी जल्दी कुछ कर। बिल्कुल, मोनिका पहला सवाल कौन सा? सर पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी आरती ड्रग्स को लेकर के, 60 शेयर्स हैं मेरे पास 572 के रेट पे, तो मुझे क्या करना चाहिए, कि अभी मुझे और अक्यूमुलेट करना चाहिए इसको या वेट करना चाहिए? ये लिया क्यों था? ये मॉम का पेशेंस के साथ लंबी अवधि वाला मामला था या हस्बैंड ने कहा था ट्रेडिंग कर डालो? सर कुछ बायबैक के लालच में लिया था, और शेयर भी अच्छा था, फंडामेंटली भी अच्छा था, तो इसलिए ले लिया था कि लंबे समय के लिए भी अगर पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मन ट्रेडिंग का था, पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि क्वालिटी पे दाव लगा रहे हैं, ऐसा कह लो? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। रेदा क्या करा जाए भाई, 55 रुपए का लॉस हो रहा है लेकिन मोनिका को इस समय कैसा लगता है आरती ड्रग्स आपको? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मोनिका जी आपकी मम्मी ने जो सलाह दिया है और मेरी 33 साल की जो तजुर्बा है वो दोनों एक ही साथ चलता है। आप निवेश कीजिए लंबी अवधि के लिए, ट्रेडिंग करके अपने सेवी का स्टैटिस्टिक्स देखे होंगे, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में 1.8 लाख करोड़ खो दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। तो ट्रेडिंग मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी कंपनी लेंगे तो वो लंबी अवधि में आपको नफा देगा ही देगा, ऐसा ही होता है। तो मैं कहूंगा कि आपकी आरती ड्रग्स अभी ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास आ चुका है और थोड़ा नीचे जा सकता है, बट फ्रेश अगर दोबारा खरीदना है तो 490 से लेके 470 के बीच में अगर आए तब जाके खरीदिए, नहीं तो जो है उसी को रखिए और लंबी अवधि के लिए रखिए। ये जो पुरानी हाई आप देख रहे हैं 640 का पिछले मई के महीना में और इस महीना में दिखाया, ये पार कर जाएगा और तब भी आपको अच्छा गेन्स मिल जाएगा। ओके, ये है आरती ड्रग्स पर रजतदा का व्यू। लीला जी के पास मुंबई चला जाए। लीला मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। लीला मैम मुंबई में कहाँ से? ये सर कदमबिरली। और ये आप शॉप पे बैठे हो क्या अपनी? हाँ सर। अरे वाह, लीला मैम कब से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? सर 1 साल हो गया। और ये 1 साल का सफर रहा कैसा, शेयर बाजार का पैसा आ रहा है, दुकान की कमाई के अलावा भी इधर से हो रही है कि नहीं हो रही कमाई? नहीं सर ठीक है चल रहा है अभी तक तो। और... सर पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था, फिर एक बार ट्रेडिंग किया, शुरुआत में तो प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ तो ट्रेडिंग बंद कर दी, फिर इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है अभी। और ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक कैसे चुनते हो, अपने मन से डिसाइड कर रहे हो या कोई ब्रोकर या हस्बैंड बता रहे हैं? नहीं सर मन से ही। मन से ही? और सही पढ़ रहा है क्या? मन सही कह रहा है सब कुछ क्या? अभी तक तो सर मन से ही किया था और एक बार आपके चैनल से किए, 2-3 स्टॉक सेलेक्ट किया आपके चैनल से। मतलब एक्सपर्ट्स ने कुछ बोला था वो आपने चुन लिया था? हाँ सर। उसके पीछे आपने स्टडी करी थी अपनी? हाँ सर। ठीक है। लीला मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरा है साउथ इंडियन बैंक का। ओके, कितनी क्वांटिटी किस भाव पे लिया लीला मैम? सर 28 पे लिया है, 30 क्वांटिटी है। 28 पे? और ये हाँ, लंबी अवधि के हिसाब से आपने लिया था? हाँ सर। हाँ सर लंबी अवधि से लिया था।
लंबी अवधि मतलब लीला मैम कितना समय रुकने का मन था जब लिया कोई था? कोई साल भर के हिसाब से ठीक है। रजत दा ये साउथ इंडियन बैंक क्या करा जाए, लीला मैम क्या करें? लिया तो लंबी अवधि के लिए था, जब से लिए 3-4 रुपए नीचे आ गया ये मामला। देखिए ये पिछले सितंबर से लेके इस बार ये जो मूवमेंट दिया है अभी उसके बीच में ये अप्रैल के आसपास 5 गुना हो गया था, 36 रुपया के आसपास हाई बनाया था, अभी ये करेक्शन चल रहा है। अगर आपने लिया है और लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा नीचे अभी भी जा सकता है क्योंकि अभी मूविंग एवरेजेस यही दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि 22 रुपया के आसपास भी जाए। उस टाइम पे अगर एवरेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओवरऑल हम बोलेगा ये एक करेक्शन चल रहा है, इसमें इतना डरिए मत, दोबारा ऊपर चलेगा। ओके तो रख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत, कोई स्टॉप लॉस लगा के रखना रह जाता है, रखे ना, लंबी अवधि का मामला है तो रख लीजिए, इवेंचुअली जाएगा। 17 रुपया 50 पैसा में स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक, लगा ही लीजिए 17.5 का स्टॉप लॉस, लेकिन आप लंबी अवधि के लिए रख सकते हो मैम साउथ इंडियन बैंक को। मोनिका मैम, ये स्टील अथॉरिटी ऑलरेडी ले रखा है या आपने लेने का मन बनाया है? सर ले रखा है मैंने। कितनी क्वांटिटी किस भाव पे ली थी मैम? सर मैंने लिया तो 138-139 पे था, बट उसको एवरेज किया तब वो 136.66 करके मेरा एवरेज बैठा है, तो अभी वो नियर टू मेरे एवरेज के ही है। तो मुझे ये राय पूछनी थी कि अगर मुझे बेच देना चाहिए या इसमें अभी फ्यूचर है कि ठीक है ये बढ़ सकता है, अभी शॉर्ट टर्म का ही है मेरा इसमें आउटलुक। कितने रुपए गिर गया था जो आपने एवरेज कर लिया था? 2-3 रुपए नीचे आ गया था तो आपने और खरीद के एवरेज कर लिया। जी सर जी। हाँ, और ट्रेडिंग का मन था, स्टॉप लॉस लगाए थे आपने? स्टॉप लॉस नहीं लगाया था सर। हाँ भाई रजत दा, एक तो ये एवरेजिंग का सही तरीका क्या है? 1-2 रुपए गिरेगा तो एवरेज कर लूंगा क्या? ऐसे तो मेरी कैपिटल खत्म हो जाएगी, स्टॉक 5 रुपए गिरा तो अपनी तो वाट लग जाएगी। ये एवरेज का सही तरीका क्या होता है और सेल पे व्यू क्या बनेगा रजत दा? देखिए एवरेज करने के लिए आपको एक बार, आजकल तो आप लोगों की मनी कंट्रोल में भी दिखाई दे रहे हैं, चार्ट दिखाई जाता है, तो उसमें आप देखिए कि पिछले जो मूवमेंट हुआ वो कितने महीनों या कितना हफ्तों के लिए हुआ है, एटलीस्ट टाइम करेक्शन भी चांस दीजिए। और 1-2 रुपया में एवरेज करना चाहिए नहीं, वो तभी आप कर सकते हैं। वो इंटरडे जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग करते हैं 1-2 रुपया में। अभी इसमें आप फिलहाल बने रहिए, लेकिन एक चीज थोड़ा जहां पे भी आपको डेटा मिले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का वो देखिए। स्टील अथॉरिटी जैसा कंपनी ये 12% से नीचे रिटर्न ऑन कैपिटल में चलता है, ये काउंटर में वो जब बाढ़ आता है तो चलता है, नहीं तो उतना अच्छा नहीं चलता है। अभी चाइना का ये सब है तो ये चलेगा। अभी आप इस लेवल पे ही एवरेज कर सकते हैं क्योंकि इसमें वीकली चार्ट में दिखाई दे रहा है कि इसका रिवर्सल होने वाला है। सही बात, आपके केस में ऐसा लग रहा है कि गिर गया था, गलत पड़ गए थे तो अपन ने एवरेज कर लिया इस उम्मीद में कि अपन इवेंचुअली सही पड़ेंगे। मार्केट सुप्रीम है, कुछ कह रहा था तो इसमें एवरेज इतनी जल्दी करने का नहीं था, थोड़ी सी चार्ट की स्टडी बढ़िया ही है, ज़्यादा बेहतर है। रजत ने आपकी सेल का तो व्यू दे दिया आपको। लीला मैम, हमारा अगला स्टॉक कौन सा? सर हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक, लीला मैम कितनी क्वांटिटी किस भाव पे? 19.538 के प्राइस से। 538, इस बीच डिविडेंड विविडेंड आया जब से आपने लिया था, कुछ आया बड़ा डिविडेंड? हाँ सर, हाँ आया सर। ठीक है, तो मोटा मोटी आपके भाव के आसपास ऐसा कह लेता हूँ, है ना? हाँ, हिंदुस्तान से। और ये क्यों लिया था, ट्रेडिंग या लंबी अवधि? ये सर लंबी अवधि के लिया था, मतलब जब अपना प्रॉफिट होगा तो निकाल लेंगे, वरना रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट होगा तो निकाल देंगे, लॉस होगा तो रखे रहेंगे, यही तो सब गड़बड़ा जाता है। प्रॉफिट को राइट नहीं करते अपन लोग। ट्रेडिंग के लिए किया था, वो लॉस ही चल रहा है। ये हाथ में आप क्या पकड़े हो, करछुले क्या? नहीं सर, पेन नहीं। अच्छा, ये आपकी दुकान से देख के लग रहा है अपने को डिस्काउंट मिलेगा ना नॉनस्टिक वॉनस्टिक? हाँ सर जरूर, क्यों नहीं। राइटर साहब एड्रेस ले लेना दुकान का प्लीज, पीछे से मैम से। रजत दा क्या करा जाए भाई, ये हिंदुस्तान जिंक मुनाफा को तो निकल जाएंगे, घाटा को तो पड़े रहने देंगे?
देखिए ये जो बात आपने कहा है ये इसको बिहेवियरल इन्वेस्टिंग में एक बायस कहा जाता है, इसको बोलता है लॉस एवर्शन बायस। क्योंकि आपको अगर कोई स्टॉक में 1000 रुपया कमाई होता है वो जितना ना आनंद देता है उससे ढेर सारे दुख आपको होता है अगर 1000 रुपया आपको लॉस होता है। तो ये लॉस एवर्शन हम वो मिल जाएगा ऊपर फिर से चला जाएगा ऐसा सोचते रहते हैं, बट कभी कभी लॉस बुक करने से बेहतर होता है। जबकि आपका हिंदुस्तान जिंक में हम लॉस बुक करने का सलाह नहीं देंगे, इसमें हम बोलेगा कि आप बने रहिए इस लेवल पे, कुछ एवरेज कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए रखेंगे, कुछ सालों के लिए हिंदुस्तान जिंक को रखेंगे तो अच्छा होगा। एक्चुअली कॉपर जिंक ये सब जब एक दशक खत्म होता है ना, ये हमारा स्टडी नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का स्टडी है, 7 years ending with 7, 8, 9 उसी पे आप खरीदारी करेंगे और जब 1, 2, 3 आता है तो सालों की नंबर के पीछे उस टाइम में आप बुक करिए, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है। ये वाला मामला तो समझा नहीं मैं। हो गया भी फिल है, फिलहाल यहाँ पे आपको 650 तक मिल जाएगा बने। ये गणित 1, 2, 3 वाला गणित क्या है रजत, एक बार फिर से समझाओ आप मेटल्स में। देखिए मेटल्स में इसमें अपने देश में अनिल अग्रवाल साहब है, आप जानते हैं कि वेदांता वेदांता जो है उन्होंने बहुत अच्छी एक्विजिशन करते हैं। बट ये हम जो स्टडी का बात कर रहे हैं ये स्टडी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने किया था। वो लोग ये देखा कि मेटल्स खरीदने का सबसे बढ़िया टाइम होता है जब दशक खत्म होता है 7, 8, 9 उस टाइम में आप खरीदो और आगे जाके 1, 2, 3 या 2, 3, 4 जो ईयर के पीछे लगता है मतलब अभी इस टाइम पे तब ये बेचने का इसके हिसाब से तो ये बेचने का टाइम आ गया। आपने मैम को कहा 2-3 साल के लिए होल्ड करो, ये तो अब 1, 2, 3, 4 चल रहा है ना उस हिसाब से 2024 है। हाँ 2024 तो है देखिए, लेकिन इसमें पिछले साल से ही इसमें कुछ कुछ वीकनेस दिखाई देना चालू किया था, इस बार फिर से मूवमेंट हुआ। इसके और एक कारण है बाकी, वो क्या है कि बेस मेटल्स बोलिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसमें अकॉर्डिंग टू ये जो जीएमसी मतलब उनका एक सलाह है कि 2011 से इसमें कोई खास सारी दुनिया में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। तो ये सब जो बेस मेटल्स नेचुरल रिसोर्सेस इसमें बहुत जोर तेजी इस दशक के अंत से आने वाला है, क्योंकि तब नया अगर एक्सट्रैक्शन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। आप देखिए ना मैंगनीज और कंपनीज चल रहा है, अपने यहाँ पे भी चल रहा है। इंटरेस्टिंग है, आप कुछ कह रहे थे लीला मैम बीच में। हाँ सर, वो आवाज नहीं आ रही है क्लियर रजत सर की। रजत दा कह रहे हैं आप रख लो, रजत दा ने इतनी सारी स्टोरी सुनाई आपको आवाज ही नहीं आई। आप एक काम करना आवाज के, मैं बताता हूँ तरीका इसका, मैं तो सुनाई नहीं पाऊंगा इतनी बढ़िया स्टोरी। आपको रजत दा की जुबानी सुनना है आवाज के, सोशल मीडिया में यूट्यूब ट्विटर कहीं पे भी जाइएगा ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको वापस मिल जाएगी। अभी थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगी, अभी बल्कि लाइव चल रही होगी, आप पीछे जाके देख लेना। रजत दा कोई स्टॉक आइडिया ढूंढा क्या आपने एफएनओ यूनिवर्स का? आपको और ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा, तो लोग जुड़े रहेंगे मेरे साथ।